यहाँ पर देखिए, मैंने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड, मार्कशीट एंड फ़ोटो का पीडीएफ बनाया हुआ है, जिसे मैं कहीं भी शेयर कर सकता हूँ या अपने मोबाइल में सेव करके रख सकता हूँ। इसी तरह अगर आपको भी अपने मोबाइल के फ़ोटो या डॉक्यूमेंट का कोई पीडीएफ फाइल बनाना है तो इसके लिए बस ये वीडियो लास्ट तक देखिए। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीके में सिखाने वाला हूँ कि मोबाइल में किसी भी फ़ोटो का पीडीएफ फाइल कैसे बनाया जाता है। तो चलिए जानने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर किसी बुक के पेजेस की पीडीएफ फाइल बनाना है तो इसके लिए पहले उन सभी पेजेस का फ़ोटो खींचकर मोबाइल में रख लीजिए। लेकिन सिर्फ गैलरी के फ़ोटो का पीडीएफ बनाना है तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस किसी भी फ़ोटो का पीडीएफ बनाने के लिए आपको अपने मोबाइल में गूगल या क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। गूगल को ओपन करने के बाद ऊपर सर्च पर क्लिक करके यहाँ पर आपको सर्च करना है आई लव पीडीएफ। आपके सामने काफ़ी सारी वेबसाइट आ जाएंगी। फर्स्ट लिंक आई लव पीडीएफ का दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर पीडीएफ से रिलेटेड आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो, जैसे कि किसी भी दो पीडीएफ को एक साथ ज्वाइन कर सकते हो, किसी भी पीडीएफ में से कोई सिंगल फ़ोटो निकाल सकते हो। अगर किसी पीडीएफ का साइज़ ज़्यादा है तो उसका साइज़ कम कर सकते हो, पीडीएफ को वर्ड में कन्वर्ट कर सकते हो, पावर पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हो या फिर एक्सेल फाइल भी बना सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें फ़ोटोज़ की पीडीएफ फाइल बनाना है तो इसके लिए बस थोड़ा सा नीचे आ जाओगे। यहाँ पर आपको जेपीजी टू पीडीएफ फाइल का ऑप्शन दिखेगा, आपको जेपीजी टू पीडीएफ फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपके सामने फ़ोटो को सिलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट जेपीजी इमेजेस पर क्लिक करना है और अब आप जिन जिन इमेजेस का, जिन जिन फ़ोटोज़ का पीडीएफ फाइल बनाना चाहते हो, इस तरह से आपको उन सभी फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप किसी कॉपी के पेजेस का पीडीएफ बना रखे हो तो आपने जहाँ भी उसके फ़ोटो खींच कर रखे हैं, इस तरह से उन सभी फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना है। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद नीचे ऐड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपने जितने भी फ़ोटो सिलेक्ट किए होंगे वो इस तरह से एक लिस्ट में आ जाएंगे। यहाँ इस तरीके से ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप किसी भी फ़ोटो को आगे पीछे भी कर सकते हो। इस तरह फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद इस सेटिंग्स आइकन पर क्लिक करके आपको ये लैंडस्केप में चाहिए या पोर्ट्रेट में, यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। पेपर का साइज़ भी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कितनी मार्जिन रखना है अपने फ़ोटो के आसपास यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपको यहाँ कुछ भी नहीं करना है तो आपको बैक आ जाना है। अब अपने इन सभी फ़ोटोज़ को पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए नीचे कन्वर्ट टू पीडीएफ का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करोगे तो इस तरह से लोड होकर आपके सभी फ़ोटोज़ एक पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक करोगे, जितने भी फ़ोटोज़ आपने सिलेक्ट किए थे वो सभी फ़ोटोज़ एक साथ ज्वाइन होकर उनकी एक पीडीएफ फाइल बन जाएगी। यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करोगे तो आपकी फ़ाइल डाउनलोड होकर इस तरह से ओपन हो जाएगी और आपने जितने भी फ़ोटोज़ सिलेक्ट किए होंगे इस तरह से उनकी एक फ़ाइल बन जाएगी। आप यहाँ पर स्क्रॉल करके देख सकते हो। अब आप चाहो तो इस फाइल को व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो या फिर अपने मोबाइल में रख सकते हो। इस तरह आप इस वेबसाइट पर बिल्कुल फ्री में किसी भी इमेजेस की जितनी चाहे उतनी पीडीएफ फाइल बना सकते हो। आई होप वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, साथ ही चैनल सब्सक्राइब कीजिए।